देखिए मेरे हिसाब से तो इंडिया ने आ, इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रही आ, अगर आप केयरफुली देखें सारे आ, अलग अलग खिलाड़ियों का आ, हमारे साथ यहाँ गगन नारंग जी भी बैठे हैं सब ये शेफ्टी मिशन थे गेम में आ, मेडल भले ही आपको एक कम मिला हो टोक्यो से बट आपकी फोर्थ पोजीशन और दूसरी पोजीशंस हैं क्वार्टर फाइनल से ऊपर ऊपर देखो आप कितनी सारी टीमें क्या क्या कितना कितना हुआ है Uh, हॉकी आपकी फिर से आप सेकेंड बैक टू बैक मेडल जीते हैं आपके जो स्टार परफॉर्मर एथलीट हैं नीरज चोपड़ा जी एंड उन्होंने फिर सिल्वर मेडल जीता एक एक के बाद सो so ये बड़ी बात होती है और दूसरे स्पोर्ट्स में हर लेवल में जितने भी खिलाड़ी गए हैं सबकी पोजिशन पहले से बहुत बढ़ गई और अच्छे लेवल में आ रहे हैं और अगले मैं समझता समझ अगले चार साल में आप देखिए कितना फ़र्क पड़ेगा वो तो फिर ऐसा है ना वो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया तो हम तो सारे 45 फाइव कंट्रीज़ के रुकावटें करते हैं ये तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कर ही रही है और नेशनल लेवल एसोसिएशन उनका जो जूनियर प्रोग्राम सीनियर प्रोग्राम है उसमें बड़ा अच्छा चल रहा है आ, ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू स्पोर्ट्स अथॉरिटी के थ्रू टॉप प्रोग्राम के थ्रू खेलो इंडिया में तो इसमें ये जो आपकी जो एक बेस बनती जा रही है तो इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा और बहुत कुछ कर रही गवर्नमेंट जिसका लोगों को पता नहीं चलता कितना सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है और कई स्टेटों में तो आज जो जो खिलाड़ी उनकी स्टेटों से गए हैं ओलंपिक गेम्स में उनको अलाउंस दे रहे हैं ट्रेनिंग के लिए और स्पॉन्सरशिप भी खूब आ रही है खूब आएगी एंड तो ये अब टाइम की बात है हम बिल्कुल ऊपर तक पहुंच गए अब एकदम देखेंगे आप मेडल बिन, मेडल नहीं ये नहीं कि एक तु, तुक्का लग गया है दो तुक्के लग गए नहीं तुक्काबाजी नहीं है कंटिन्यूसली शूटिंग ओलंपिक गेम्स में हर स्पॉट में जीत रही आपकी जो तो सेफ्टी मेंशन देखा कि नारंग जी भी ओलंपिक uh, मेडल बन रहे हैं सो so, देखिए आप कितना कुछ शूटिंग में हो रहा है जो फेडरेशन की पॉलिसी है उस हिसाब से करते हैं और वो पता वो बात करते हैं देखते हैं हर स्पॉट में शूटिंग हर इवेंट में राइफल पिस्टल शॉटगन में वर्ल्ड के जो टॉप शूटर कोचेज हैं वो अब आए हुए इंडिया आकर ट्रेन कर रहे हैं कुछ जहाँ नहीं कर रहे जहाँ कोई ओलंपिक गेम्स की बात छोड़ के चले जाते हैं अलग चले जाते हैं कहीं और नौकरी करने लगते हैं तो नए नए कोचेज़ की भी ऑलरेडी ढूँढ शुरू हो गई तो इस इस शोज कर, करता है कि जो वर्ल्ड के टॉप कोचेज हैं उसी देश में जाते हैं जहाँ किसी का पोटेंशियल हो जीतने का